वीर, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें गाजर खानी होगी। गाजर में विटामिन ए होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चलता अंकल। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा? कौन है, कौन है जो मेरे ऊपर कूदा है? सामने आओ, मैं कहता हूँ सामने आओ। ओए, मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियसली क्यों लिया? कौन है, कौन है? दादाजी, ये मेरे भाई हैं, अमेरिका में रहते हैं। एयरपोर्ट से यहाँ आते समय कुछ गुंडों ने इनका सामान लूट लिया। कैसे लूट लिया, क्या हुआ? मैं टैक्सी में बैठा था। ऐसा लगता है कि कैब ड्राइवर उन गुंडों से मिला हुआ था। टैक्सी ड्राइवर को मारने पीटने का सब ड्रामा होगा ताकि उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ना ले। जरूर टैक्सी ड्राइवर उन गुंडों से मिला हुआ होगा। क्या आप उसे दोबारा पहचान सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके दाहिने गाल में एक बड़ा सा काला मस्सा है। चोर है वो, चीटर है। नहीं नहीं, यहाँ के सब टैक्सी वाले चीटर हैं, चीटर। नहीं अंकल, सब चीटर नहीं हैं। हमारे यहाँ तो गेस्ट को गॉड मानते हैं। हाँ, अतिथि देवो भव कहते हैं। देखिएगा, वो टैक्सी वाला जरूर आपका सामान वापस करके आपसे माफी मांगेगा। ओह, ये तो इम्पॉसिबल है। दादाजी कहते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला ही वीर होता है। ये वीर कहाँ चला गया बिना बताए? मैं सोच रहा था उसे ही उस बदमाश टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने भेजूं, और इसका पता नहीं कहाँ खेल रहा है ये। चलो अब मैं ही इमली के अंकल को एयरपोर्ट ले जाके उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ता हूँ। जिंटू, तुम मेरे दादाजी बन जाओ और मुझे और इमली को एक अंग्रेज बच्चा बना दो। चुलबुल, तुम यहीं रुको। जिंटू, चलो अब उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते हैं जिसने अंकल को लूटा था। खाना पीना जहाँ जहाँ, जिंटू भैया वहाँ वहाँ। वीर, इमली, ये क्या भेष बना रखा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो इमली के अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें मैं लेकर आया हूँ। उनको लाने की क्या जरूरत थी? तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? बड़ों से बात करने का ये क्या तरीका है? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जल्दी से चुटकी बजाओ और उन्हें वापस भेजो, जल्दी, वरना ठीक नहीं होगा। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इमली, देखा तुमने? देखा, ये अपने दादाजी से ऐसे बात करने लगा है। घर चलो, फिर बताता हूँ तुम्हें। अब दादाजी का नाटक बंद करो और जल्दी से मेरे अंकल को वापस भेजो। तुम भी उसकी तरह ही बात कर रही हो। दोनों को क्या हो गया है? दादाजी, आप यहाँ चाट खा रहे हो? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। दादाजी, मुझे छोड़ के बचाओ, ये लोग मुझे फिर लूट लेंगे। दादाजी, मेरा पीछा छोड़ो। अरे अनजान आदमी, पीछा छोड़ो। वीर, एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है। अरे, ये मेरा हमशक्ल कौन है? ये मेरा हमशक्ल कौन है? नहीं, तुम मेरे हमशक्ल हो। ओ नो, अब समझ में नहीं आ रहा जिंटू कौन है और दादाजी कौन है। ओ दादाजी,
मुझे नहीं पता था आप यहाँ आने वाले हैं। ओहो, तो तुम लोग भी टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने आए हो। अरे मुझे तो बता देना था। दादाजी, दादाजी, दो दो दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? अगलम बगलम आलम फालम, याद तुम्हारी खो जाए। अभी अभी जो देखा तुमने, याद तुम्हें ना खो जाए। चलो बेटा, चल के टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते हैं। तुम कौन हो? कौन हो तुम? दूर रहो, दूर। रुको रुको, अरे अरे सुनो तो। हेलो, वो रहा काले मस्से वाला ड्राइवर। बेटा तुम हमें फुर्सत गंज ले चलोगे? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं ले जाऊंगा। नहीं ले जाऊंगा तो पैसे कहाँ से कमाऊंगा, और पैसे नहीं कमाऊंगा तो घर का खर्चा कहाँ से चलाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए। ये तो बताओ हम कर क्या रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? ये टैक्सी ड्राइवर सुनी सड़क पे जाकर टैक्सी रोकते हैं और पैसेंजर्स को लूट लेते हैं। हमें इसका ही इलाज करना है। ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, लो इलाज हो गया। क्या किया तुमने, क्या किया जल्दी बताओ। अब आपको क्या हुआ अंकल, रो क्यों रहे हो? सामने सड़क ही नहीं दिख रही, सुबह तक तो थी, अचानक कहाँ चली गई? सामने क्या, नीचे भी सड़क नहीं है। मेरी तो जमीन वाली टैक्सी थी, ये एयर टैक्सी कैसे बन गई? मैंने सोचा जब सुनी सड़क ही नहीं होगी तो ये लोगों को लूटेंगे कैसे। वापस सब नॉर्मल करो फौरन, और किसी को कुछ याद ना रहे। चले हैं सर जी। चलो अंकल जी। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो दे दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसका हुआ है। उसका हाल अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अब होगा। पीछे आओ चिंटू, चलो जल्दी करो, उनका पीछा करो। किसका पीछा करो? भूल गया। मैं कौन हूँ? कल रात मेरे अंकल को तुमने लूटा, उनका सामान वापस करके उनसे माफी मांगो, तब छोड़ूंगा, वरना। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? शुक्र है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। कल रात मेरे अंकल अमेरिका से आए थे और उन्हें आपने लूटा था।
अब आप बता आप क्या करेंगे? मैं उनसे माफी मांगूंगा और सामान वापस कर दूंगा। सॉरी सर जी, घर जाके ख्याल आया कि आप लोग दूसरे देशों से हमारे यहाँ आते हो। हाँ, आप हमारे मेहमान हो। और सर जी, हमारे यहाँ कहावत है, गेस्ट इज गॉड, अतिथि देवो भवा। माफ कर दो सर जी, गलती हो गई। ओके ओके ओके, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार तो कुछ नहीं सर जी, असली चमत्कार तो हमने देखा है जी। ओके जी, सॉरी जी, बाय बाय जी, थैंक यू जी। मेरे छोटे सरकार, अब तो बता दो तुम कौन हो सर जी? वैसे तो हम आपके कुछ नहीं लगते, नाम है वीर। गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल वेरी गुड मॉर्निंग वीर। बिना सर के भूत है, जो अंदर जाता है भूत उसे कबूतर बना देता है। नहीं, रुको। जल्दी भूत के कपड़े पहनो, वो लड़की आती ही होगी, उसे डरा के भगाना है। मैंने देख लिया, तुम लोग भूत नहीं हो। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, छोड़ा तो तुम दूसरों को जाके बता दोगी यहाँ भूत नहीं इंसान है। अब तक हमारा चोरी और स्मगलिंग का काम यहाँ पूरा नहीं हो जाता, तुम हमारे पास ही कैद रहोगी। सारिका को भूतों ने कबूतर बना के उड़ा दिया। दादाजी हमारी मदद कीजिए। क्यों, क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ? आज मेरी बच्ची सारिका को पकड़ के कबूतर बना के उड़ा दिया। मेरी मदद कीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ, मैं खुद वहाँ जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ दादाजी, मैं सारिका को भूतों से छुड़वाऊंगा। तुम कितने बहादुर हो वीर। मैं भी बहादुर हूँ बहादुर, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, मैं तो अकेला जाकर ही सारिका को वापस ले आऊंगा। चलो चलो सब चलते हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। देखो सारे गांव में हमने सरकटे भूत की जो अफवाह फैला रखी है उसकी वजह से लोगों में एक डर है और कोई भी यहाँ नहीं आता, लेकिन अगर ये लोग हम तक पहुँच गए फिर हम अपना चोरी का माल यहाँ नहीं छिपा पाएंगे। एक आइडिया है बॉस, कि हम अपना भूत वाला ड्रामा चालू रखें और फिर से भूत बनकर इन लोगों को डराकर यहाँ से भगा दें। ठीक है तो शुरू हो जाओ, सब अपना अपना गेटअप पहन लो और इन लोगों को डराना शुरू कर दो। तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। जल्दी जल्दी तैयार हो, अगर उन लोगों ने देख लिया कि हम भूत नहीं हैं, तो हमें ये जगह छोड़ के जाना होगा। हाँ, और ये जगह छोड़ के तुम्हें जेल जाना होगा। ए, इसे भी पकड़ के उस लड़की के साथ डाल दो। वो देखो
वो देखो दादाजी को भी कबूतर बना दिया। दादाजी को कोई कबूतर नहीं बना सकता। आप लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। नहीं नहीं तुम नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है दोनों अंदर जाते हैं, तुम आगे से जाओ मैं पीछे से आता हूँ। और मैं लेफ्ट एंड राइट पोजीशन कवर करता हूँ। गुड गुड बॉय। टाइम क्या हुआ बेटा? भूत 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 भागो भागो भूत। अरे कम से कम टाइम तो बता दे यार। तुझे टाइम बताने के चक्कर में मेरा टाइम बुरा हो जाएगा, बचाओ। कहाँ गया? वो भी कितना बेवकूफ है, मुझे यहाँ रख के सबसे टाइम पूछ रहा है। अपने साथ रखता तो मैं खुद ही देख के टाइम बता देता। टाइम कितना हुआ भाई? भूत भागो, भूत आया। अरे रुको चुलबुल, भूत वूत कुछ नहीं होता, कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको। कैसे रुकू, डर के मारे मेरी टांगे ही नहीं रुक रही है। भागो भूत। डाचू डाचू निंजा निंजा डाचू। अब ये क्या है, ये क्या अनाप शनाप भग रहे हो तुम? अरे ये हम डोंकी लोगों के भूत भगाने का मंत्र है। ओके पर अब प्लीज भागना बंद करो ताकि मैं उस भूत को पकड़ सकूं। भूत को ना कोई पकड़ पाया है ना ही पकड़ पाएगा। ढैचू ढैचू ढिचक 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 ढैचू ढिचक 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 ढैचू 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 ढैचू। अपना मंत्र बंद करो और यहीं छुपे रहो, मैं जिंटू को बुलाता हूँ तुम्हारा डर दूर करने के लिए। दिन दिन मैं हूँ जिन। बोलो बॉस कैसे याद किया? वो देखो, वो देख रहे हो? जिन 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 जानी, जल्दी से आके भूत भगाओ मेरी प्यारी नानी, जल्दी से आके भूत भगाओ मेरी प्यारी नानी। अब तुम्हें क्या हुआ, तुम तो जिन हो, तुम क्यों डर रहे हो? जिन हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मैं भी बच्चा ही, मुझे भूत से डर लगता है। जिनी 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 जानी, जल्दी से आके भूत भगाओ मेरी प्यारी नानी, जल्दी से आके भूत भगाओ मेरी प्यारी नानी। टाइम क्या हुआ बेटा? ये तो असली भूत है। जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लो। क्यों भाई क्या हो गया? अरे पुलिस की रेड पड़ गई क्या? नहीं पुलिस की नहीं, बल्कि असले वाले भूतों की रेड पड़ गई है। हम नकली भूत बनकर उनके नाम का ड्रामा कर रहे थे ना, लगता है असली वाले भूत पूरा मान गए हैं। अरे
ये तू कैसी ऐसी वैसी बातें कर रहा है? कोई भूत भूत नहीं होता है, कोई हमारे जैसा ही ड्रामेबाज होगा जो हमारी चाल में हमें ही फंसाना चाहता होगा। पहली बार भूतों के मुंह से ये बात सुन रहा हूँ कि भूत नहीं होते। बहुत डरा लिया तुमने उन्हें सबको, अब तुम्हारी बारी है। देखिए हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, आप जो भी हैं हम आप वैसे ही कर लेंगे। हम अब कभी भी आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे, आगे से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमने जिस लड़की को किडनैप किया है उसे भी आपको दे देंगे। हमें छोड़ दो भाई, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ठीक है छोड़ देता हूँ। वीर, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। मैं पुलिस भी ले आई हूँ वीर। वेरी गुड इमली, चलिए दादाजी, चलो सारिका। मम्मी ओह थैंक्स दादाजी, थैंक्स वीर, आप लोगों ने मेरी बेटी को बचा लिया। बचाओ, कोई बचाओ।